तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्तिवतान श्रीधर गोस्वामी नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्तिवदान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि तनत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत नित्र लाभ प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्तिवदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। उनके अहितों की वांछा ही कृपा करें। मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद बलराम प्रभु के चरणों में मेरा अथयोगी दंडवत प्रणाम। उपस्थित सही वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी पहले मेरी एक बात का जवाब दो कि मान लीजिए मैं प्रभु जी से कुछ पैसा ले लेती हूँ और प्रभु जी भी हंसी खुशी निसंकोच भाव से वो पैसा मुझे दे देते हैं और इस चीज़ के लिए तय करते हैं कि भाई तेरे पास जब होगा तू जब दे देना, तो इसके लिए मुझे इनको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? बोलो, देना चाहिए। और अगर मैं धन्यवाद नहीं देती तो, और अगर धन्यवाद भी नहीं देती और जो पैसा लिया है वो भी नहीं लौटाती, तो मैं लायक हुई या नालायक हुई? नालायक हुई। तो यही गुरुदेव एक कथा सुना रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बाहर एक बहुत हष्ट-पुष्ट व्यक्ति भीख मांग रहा था। तो वहाँ गाड़ी में जाने के लिए एक व्यक्ति आए, सूट बूट पहने एक व्यक्ति आए और उसे भीख मांगते हुए को देख के बोला कि भाई तू भीख क्यों मांग रहा है, तेरे हाथ पैर भी ठीक हैं, शरीर भी ठीक है, देखने में भी तो स्वस्थ लग रहा है, फिर तू भीख क्यों मांग रहा है? तो जो व्यक्ति था वो बोला कि बाबूजी आपको क्या लगता है मैं भीख अपनी इच्छा से मांग रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन मैंने बहुत जगह कोशिश करी, किसी ने मुझे नौकरी पर रखा नहीं। मैं चाहता तो यही हूँ कि मुझे भीख ना मांगनी पड़े, लेकिन मजबूरी के कारण मांगना पड़ रहा है। तो बोले अच्छा, अगर मैं तुम्हें काम दूंगा तो तुम काम करोगे? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना बिजनेस में पार्टनर बनाता हूँ। अब अगर भिखारी को ये बात सुनने को मिले कि कोई उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है तो उसको क्या लगेगा कि मजाक कर रहा है? क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई नहीं जो भिखारी को ये कह दे कि मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाता हूँ। तो बोले बाबूजी क्यों मजाक कर रहे हो, भीख देनी है देन, दो नहीं देनी आगे जाओ, मैं किसी और से मांग लूँगा। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूँ, मेरा राइस मिल है और उस राइस मिल में मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तो उसने अपने आप को चूटी भर के देखा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। चूटी भरी तो उसको दर्द हुआ, बोला ठीक है जागते हुए हैं। तो उसने बोला कि अच्छा ये भी सुन लो कि मैं तुम्हें पार्टनरशिप कितने की देना चाहता हूँ। बोला अगर तुम मुझे 5% भी दोगे तो भी काम चलेगा। बोले नहीं नहीं, 5% तुम्हारा नहीं, 90% तुम्हारा होगा और 10% मेरा होगा। बोला ऐसे भी कुछ होता है, घर से लड़के आएगा तुम? बोले नहीं नहीं, आज ऐसा ही है, तुम बस मेरे साथ चलो। अब वो उसके साथ गए, उन्होंने उसको सारा हिसाब किताब समझाया कि तुम्हें सामान लाना है बेचना है और उसमें से जो प्रॉफिट होगा 90% तुम्हारा होगा और 10% मेरा होगा। अब एक महीना बीत गया तो मैं तो इंतज़ार करूँगी ना अपने 10% की। तो वो सुबह नहा धोकर बैठ गए चौकट पे कि आज आएंगे भाई साहब मेरा 10% देने। शाम हो गई पर भाई साहब ना आए। उसने सोचा हो सकता है काम में व्यस्त हो, इसलिए उसने सोचा होगा कि 2 महीने का एक साथ ही दे दूंगा। अब 2 महीने भी बीत गए वो फिर भी ना आए, 3 महीने बीत गए नहीं आए, जब 6 महीने बीत गए वो नहीं आया। उसने सोचा चल के देख लूँ एक बार, कभी उसका राम नाम सत्य हो गया हो। अब वो गए उनके यहाँ, उन्होंने गेट खटखटाया, अंदर से गेट खोला, आप कौन, मतलब उसने पहचाना भी नहीं। तो फिर उसने बोला तुम्हें याद है मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म पे काम देने की बात की थी कि 90% तुम्हारा होगा और 10% मेरा होगा? बोला अच्छा अच्छा, सेठ जी आए हैं? बोले हाँ। तो बोले भाई तूने मेरा 10% नहीं दिया? तो उन्होंने उसे अंदर बिठाया और बहुत अच्छे से विनम्र स्वभाव से बोले कि अच्छा एक बात बताओ, इन 6 महीनों में एक बार भी फैक्ट्री में आके देखा तुमने? बोले नहीं। कुछ काम किया तुमने? तो उसने मना किया। तो बोले फिर 10% किस चीज़ का, मैं तुम्हें कोई हिस्सा देने वाला नहीं, सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो मेरा है। अब आप खुद सोचो, बताओ ऐसे व्यक्ति को लायक कहेंगे या नालायक कहेंगे? नालायक। अब सारे की सारी प्रॉपर्टी मेरी, सारा का सारा बिजनेस मेरा,
जो पैसा लगाया वो भी मेरा। मैं तो ये कहती हूँ सारे को बैंक में जमा करके, मेरा बैंक में जमा कर दूँ, मेरा तो अपने आप ब्याज आ जाएगा, कम से कम 20% तो आता और मैं तो 10% में खुश हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को हम नालायक कहेंगे? तो वास्तव में जो व्यक्ति है, जो भिखारी है, वो कोई और नहीं, वो भिखारी हम हैं। भगवान ने हमें 24 घंटे जीने का समय दिया बिना किसी मोल के, अनमोल सांसें दी इस जीवन को चलाने के लिए। आप अपने डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए दे दो, वो 1 करोड़ रुपए में एक सांस भी नहीं दिला सकता मृत्यु के बाद, और वो जो सांसें भगवान हमें फ्री में दे रहे हैं, इसके बदले भगवान कहते हैं इन 24 घंटों में से 10% मुझे दे दो। कितना बैठता है? 2 घंटा 40 मिनट। और पैसा नहीं चाहिए भगवान को, जो तुम कमा रहे हो उसे अपने पास रखो, उसमें से 2 घंटे का समय मुझे दे दो। है हमारे पास 2 घंटे का समय? 2 घंटे भी छोड़ो, हमारे पास 1 घंटे का भी समय नहीं है। 1 घंटा भी छोड़ो, बस आधे घंटे का भी समय नहीं है। मान लीजिए आज मैं ये प्रण ले लूँ कि मैं आधा घंटा भजन करूँगी, और सुबह सुबह पता चला किसी के पैसे रह रहे हैं, वो पैसे देने आ गया, और पता चला बाहर आ गया, वो सबसे पहले वो आधा घंटा ही छूटेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम नियम पूर्वक मुझे भजो, कि तू 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा। इसलिए भगवान कहते हैं ध्यान से सुनना कि करता तू वह है जो तू चाहता है, मगर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। फिर कहते हैं भगवान कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहता है। इसलिए आप सब हरि नाम का जप करें और एकादशी का व्रत करें। इन्हीं शब्दों के साथ वांछा कल्पतरूपेश कृपा सिंधु भय वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान से ज्ञान सलाखया चक्षुर्मित तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम प्रकट करता हूँ। तदोपरांत जय नेत्रिणा प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोदशशील शिल भक्ति विधान शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हम पिछले कई दिनों से महाप्रभु जी की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, और जैसा कि हम सुनते हैं चैतन्य भागवतम, चैतन्य चरितामृत और राय रामानंद संवाद, जो भी ये सारे ग्रंथ हैं, जो भी महाप्रभु जी से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं, तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। जो हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं वो है महाप्रभु के आने के कारण, क्योंकि जो सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि अगर हम स्कूल में भी जाएंगे तो सबसे पहले हमें कोई भी बुक्स पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ABCD AA EE ये सीखना पड़ता है ना। जब ये शब्दों को हमें सब पता होंगे तो हम आगे के सब कुछ शब्द पढ़ सकते हैं। तो इन सारे ग्रंथों में जो मुख्य बात है कि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है वो क्यों आए इस जगत में, क्यों आए, उनके आने के कारण मैं थोड़ा उनको आसान शब्दों में एक रिविजन के लिए तौर पर दोबारा बताने का प्रयास करता हूँ। तो जब महाप्रभु जी आए उनके आने के 2 कारण थे, एक मुख्य एक गौण। जैसे कि आप यहाँ मंदिर में आ रहे हो, आपको पता है कि मैं मंदिर में कथा भी आरती है, आप आए और आपने देखा पास में नहर के पास सब्जी मिल रही है बढ़िया बढ़िया, तो आपने सब्जी भी खरीद ली। तो आपका मुख्य क्या था कि मंदिर में आना, और गौण क्या हुआ, सब्जी खरीद ली, क्योंकि सब्जी की जरूरत थी, तो दोनों कार्य हो गए। तो उसी तरह महाप्रभु आए तो उनके 2 कार्य थे, एक मुख्य एक गौण। तो मुख्य में भी एक मुख्य था, मुख्य का मुख्य, और एक मुख्य का गौण, और गौण में भी एक गौण का मुख्य
और गौण का गौण। तो सबसे पहले जो मुख्य कारण था, तो आप सब लोगों ने पहले ही हम लोगों ने सुना है कि एक बार भगवान कृष्ण और राधा रानी बैठे हुए थे, तो तभी एक भौरा आया और वो राधा रानी के चरण कमलों में आके बैठने का प्रयास करने लगा, क्योंकि जो राधा रानी उनके चरण क्या है, कमल के समान है, वो उनसे मधुपान करने की कोशिश करने लगा। तो ये जब भगवान कृष्ण ने देखा तो मधुमंगल को इशारा किया कि इसे दूर भगा दो। और मधुमंगल ने क्या किया, उन्होंने छड़ी पकड़ी और उसे दूर भगाने का प्रयास किया और भगाते भगाते दूर भगा दिया। और जब दूर भगा दिया तो आते वहाँ से चिल्ला रहे कि कृष्ण, वहाँ से आते थे चिल्ला के बोल रहे कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, जो मधुसूदन यानी भौरा, उसका एक नाम मधुसूदन भी है, कि मैंने उसे भगा दिया था, वो भाग्य अब नहीं आएगा। जब ये शब्द राधा रानी ने सुने तो हा कृष्ण करते करते वो मूर्छित हो गई। भगवान कह रहे भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भगवान इतने आश्चर्यचकित हो गए कि क्या मतलब, क्या राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, कैसा राधा रानी का प्रेम है, है कैसे राधा रानी का भाव है, जो विरह में भी मिलन है और मिलन में भी विरह। जब भगवान कृष्ण राधा रानी को देखते हैं तो एक तमाल वृक्ष है जो काले रंग का होता है वृक्ष, तो राधा रानी को जब भी विरह होता है ना, राधा रानी उसका आलिंगन कर लेती है वृक्ष का, और उनका जो विरह है ना वो मिलन में बदल जाता है। भगवान कहते हैं भैया कैसा मिलन है, है जो मेघों को देखती है राधा रानी, जो मेघ है श्याम वर्ण के, उनको देख के उनको कृष्ण का विरह भी होता है और मिलन भी हो जाता है। तो भगवान कृष्ण बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो देखो बड़े तत्व की बात है, जो राधा रानी है ना वो भगवान के लेफ्ट हैंड से इस साइड से प्रकट हुई है, बलदेव प्रभु राइट हाइट से। अब देखिए तत्व एक ही है, भगवान के राइट से बलदेव प्रभु प्रकट हुए और लेफ्ट से श्रीमती राधा रानी। अगर देखो हम दाल बना रहे हैं ना, दाल में अगर हमें नमक चेक करना है, मिर्च मसाला चेक करना है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चम्मच में उठा के उसे चेक कर लेते हैं। हमें पूरी दाल चेक करने की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। अगर समुद्र है, समुद्र का हमें थोड़ा जल चेक करना है, उसमें क्या है, कैसा पानी है, तो हम थोड़ा सा ही लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सारे समुद्र का जल ऐसा ही है। यहाँ तक कि हम हॉस्पिटल भी जाते हैं ब्लड टेस्ट, वो हमारे से थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे और उससे पता चल जाता है कि तुम्हारे ब्लड में ये बीमारी है या ये नहीं है, शुगर है, जो भी कुछ है, छोटी सी चीज़ से पता चल जाती है। लेकिन देखो राधा रानी की महिमा देखो, वो भगवान से प्रकट हुई है और भगवान भी उन्हें नहीं समझ पा रहे। भगवान कह रहे भैया इनकी कैसी महिमा, कैसा इनका भाव है, है? भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की मधुरिमा है, भगवान इतने सुंदर है कि जो भगवान इतने सुंदर है, जो आनंद राधा रानी को प्राप्त हो रहा है वो भगवान को भी प्राप्त नहीं हो रहा। जो मिलन, जो राधा रानी और भगवान कृष्ण मिलते हैं, वो आनंद जो है ना सबसे ज़्यादा राधा रानी को प्राप्त होता है। तो भगवान भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है? जबकि बताया गया भगवान बड़े सुंदर है, भगवान कृष्ण बड़े सुंदर है। बताया गया कि एक बार जो कामदेव है ना, कामदेव, उन्होंने शिवजी जी तपस्या कर रहे थे, उन पर अपने 5 बाण चलाए और शिवजी जी की तपस्या भंग हो गई। और ऐसा बाण चलाया कि भगवान जो शिव जो कहते शिव, वो भी कामतुर होके भागने लगे थे। और तो और ब्रह्मा जी परम पिता, जिनको कहते ब्रह्मा जी परम पिता, वो भी उन्होंने भी एक बार एक अप्सरा की रचना की तिलोत्तमा, जब उसकी रचना की तो वो भी जब क्या हुआ, उसके पीछे आसक्त हो गए, तो ब्रह्मा भी नहीं बचे, शिव भी नहीं बचे। तो जो कामदेव था ना, उनके अंदर थोड़ा अहंकार हो गया। अब उन्होंने देखा कि भैया भगवान कृष्ण आ गए हैं, अब उन्होंने उनको चैलेंज किया कि भगवान मैं आपको चैलेंज करता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन तू कब आई हो, जब तेरे अनुकूल माहौल होगा तू तब आना। कामदेव ने कहा ठीक है। तो शरद पूर्णिमा का दिन, रात्रि का समय, पूर्ण चंद्रमा, चारों तरफ फूल फैले फूल उगे हुए हैं, चार सारे ऋतुएं हैं, सब कुछ अनुकूल माहौल, 7 करोड़ गोपियां हैं, अकेले भगवान हैं। तो कामदेव ने सोचा इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता, और कामदेव आ गए और उन्होंने अपना तीर चलाया और जैसे ही भगवान की तरफ देखा, भगवान हल्का सा मुस्कुराए और कामदेव के हाथ से धनुष बाण सब टूट गया और वो खुद कामसक्त हो गए, खुद उनके अंदर काम वासना जाग गई और कहने लगे हे विधाता, तुम्हें तो सृष्टि करना ही नहीं आता। जैसे गोपियां कहती है ना, तो कहने लगे हे विधाता, तुम्हें तो सृष्टि करना ही नहीं आता है, मुझे पुरुष दे क्यों दी, मुझे स्त्री देते हैं, मैं भी भगवान की रासलीला में प्रवेश करता। तो कामदेव खुद मोहित हो गए, तो भगवान इतने सुंदर हैं। तो जो राधा रानी है वो
क्या क्या उनकी सुंदरता का कैसा आस्वादन करती है, है कैसे उनकी मधुरिमा है, भगवान कृष्ण कितने सुंदर है। तो ये सब जब भगवान कृष्ण ने जान देखा कि भैया ये क्या है, जबकि राधा रानी उनसे ही प्रकट है और वही समझ नहीं पा रहे, तो उन्होंने राधा रानी से जिज्ञासा की कि मैं तुम्हारे जो भाव है ना उनका आस्वादन करना चाहता हूँ। तो राधा रानी ने कहा ठीक है तुम कर सकते हो, ठीक है तो एक काम करना। तो भगवान ने कहा मैं अब आऊँगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो राधा रानी ने कहा ठीक है तुम मेरे अंग कांति और मेरे भाव को लेके प्रकट होना। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन एक शर्त है, तुम अकेले मत जाना, एक काम करना मेरे साथ मेरी सखियाँ मंजरियाँ जो ललिता विशाखा रूप मंजरी ये सब इनको भी लेके जाना। तो क्या क्या कारण है इनको लेके जाने का, जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले एक मूवी देखी होगी धोनी महेंद्र सिंह धोनी कोई मूवी थी क्रिकेटर उसकी मूवी आई थी, तो उसमें जो एक एक्टर था सुशांत राजपूत जो अब नहीं है, तो उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उसने वो महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए सिर्फ मूवी में किरदार निभाने के लिए 12-12 घंटे वो उसके साथ रहता था, उनके मित्रों के साथ रहता था कि वो कैसे खाता है कैसे चलता है कैसा उसका हेयर स्टाइल है कैसी उसकी बॉडी है कैसे वो क्रिकेट खेलता है सब कुछ देखने के लिए कि एज इट इज मैं उसका उसकी तरह मैं एक्टिंग कर सकूं, ये करने के लिए उसने 12-12 घंटे उसके साथ रहता था। सोचो भारी आवरण देखने के लिए भारी मतलब एक्टिंग करने के लिए उसको इतना प्रयास करना पड़ा। अब भगवान कृष्ण तो क्या कर रहे हैं राधा रानी का भाव लेके आ रहे हैं, स्वयं राधा रानी का भाव लेके आ रहे हैं, तो लेकिन क्या भगवान उन भावों को ग्रहण कर सके। तो अब हमारे परम गुरुदेव बताते नहीं, कृष्ण के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो राधा रानी के भाव को ग्रहण कर सके। बताते हैं कि जब राधा रानी नॉर्मली जब मिलती थी उन्हें तो अपनी तिरछी नजर से देखती थी कृपा कटाक्ष, तो भगवान कृष्ण के पीताम्बर मुरली मोर मुकुट सब गिर जाता था सिर्फ दृष्टिपात से ही, और जो राधा रानी के भाव अगर उन्होंने ग्रहण किए तो उनकी क्या हालत हुई होगी बताते हैं, वो तो भगवान तो पछाड़ खा के गिर जाते थे, और तो और जगन्नाथ मंदिर के बाहर जब पहुंचते थे तो वो क्या होता था उनकी हालत कैसी हो जाती थी, वो एक कूर्म एक कछुए की बात ही सुगड़ जाते थे, और तो और कभी कभी वो समुद्र में भाव में आगे समुद्र में कूद जाते थे तो 12 हाथ लंबे हो जाते थे, तो उनकी बड़ी ऐसी स्थिति हो जाती थी। भगवान को इतना आश्चर्यचकित हुआ इतने आश्चर्य में रहते थे भगवान कि क्या राधा रानी का भाव है, तो उनको भी संभाल नहीं पाए। तो ये पहला कारण था कि भगवान जो राधा रानी के भाव को देखना चाहते थे कि राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है मेरी क्या मधुरिमा है और राधा रानी को क्या उसका आस्वादन होता है। और दूसरा कारण बताया कि जब ये अद्वैताचार्य ने देखा कि यहाँ संसार में लोग क्या कर रहे हैं गुड्डा गुड़िया का उनकी शादी कर रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की शादी कर रहे हैं और लाखों पैसा खर्च कर रहे हैं, पंडित लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं पंडित जो है कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं है सिर्फ शास्त्रार्थ करने वाले पंडित शास्त्रों का अध्ययन करते हैं किस लिए चुनौती देते हैं एक दूसरे को और सिर्फ शास्त्रार्थ करते हैं और प्रतिष्ठा के लिए। तो जब अद्वैताचार्य ने देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा इस संसार में हो क्या रहा है कोई भक्ति से कोई मतलब ही नहीं। तो उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, उन्हें एक श्लोक मिला, तो श्लोक में ये था कि तुलसी धर मात्रे जलस्य चुल्केन वा विक्रीडते स्वयं आत्मनम भक्तव्यो भक्तवत्सलम। तो जब ये श्लोक पढ़ा उन्होंने तो उसमें बताया गया कि भगवान है ना बड़े भक्तवत्सल हैं, वो अपने आप को भी बेच देते हैं सिर्फ किसे प्रेम पूर्वक तुलसी दल और जल गंगा जल देने से। तो जब अद्वैताचार्य को पता चला तो उन्होंने क्या किया भगवान का आह्वान किया और भगवान को पुकारा। अब भगवान क्या था अपने यहाँ अपनी शेष संहिया पे सोए हुए थे तो उनका सिंहासन डोलने लगा है और भगवान को इस जगत में आना पड़ा। बोला उन्होंने कि भैया उनको बोला कि अद्वैताचार्य को कि तुम्हारे कारण मुझे संसार में यहाँ आना पड़ा सिर्फ तुम्हारे कारण, मैं तो अपने धाम में बड़ा अच्छा सो रहा था तुम्हारी हुंकार सुन के मुझे इस जगत में आना पड़ा। तो क्या है तुलसी दल गंगा जल की क्या महिमा है तो बताते हैं कि जैसे कि बात है कुरुक्षेत्र की, कुछ लोग बताते हैं कुरुक्षेत्र की कुछ लोग बताते हैं द्वारका की, तो कल मैंने बताया था ना कि मुख्य क्या है कि कथा का सार क्या है। तो बताया कि जो एक बार जो रुक्मणी थी ना सत्यभामा उनको उनके मन में बड़ा एक अहंकार हो गया
कि कृष्ण उनके हैं, और उनके मन में इच्छा हुई कि कृष्ण उनके कैसे वशीभूत हो जाए। तो नारद जी के पास गई, तो नारद जी से पूछा कि भैया नारद जी मुझे ऐसा उपाय बताओ कि कृष्ण मेरे वशीभूत हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ करने के बाद अपनी प्रिय वस्तु मुझे दान करनी होगी। तो रुक्मणी जी ने कहा ठीक है। उन्होंने एक यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ होने के बाद नारद जी ने बोला कि अपनी प्रिय वस्तु मुझे दान दो। तो रुक्मणी ने कहा मेरी प्रिय वस्तु तो कृष्ण ही है। तो नारद जी ने कहा तुम्हें वो मुझे दान देनी पड़ेगी। तो रुक्मणी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे संभव है। तो नारद जी ने कहा नहीं ये तो नियम है। तो उन्होंने कहा कुछ उपाय है इसके बदले। उन्होंने कहा हाँ, तुम अपनी प्रिय वस्तु के बदले मुझे एक काम करो, उसके भार का मुझे स्वर्ण दे दो, सोना दे दो, तो क्या होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रुक्मणी जी ने कहा, सत्यभामा ने कहा ठीक है। उन्होंने एक पलड़े में कृष्ण को बिठाया और दूसरी तरफ अपनी सारी ज्वेलरी, अपने सारे हीरे मोती जेवर सारे रख दिए। कृष्ण हिले भी ना। अब वो सारी रानियों के पास गई, आठों रानियों के पास। उन्होंने भी अपनी सारी ज्वेलरी दी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी जो 16,108 पटरानियाँ सबके पास गई, सबका ज्वेलरी ले आई, सबका सोना लिया है, तब भी वो पलड़ा हिला ही नहीं। अब जो सत्यभामा जी थी परेशान हो गए, क्या करें। तो उन्हें पता चला कि यहाँ कुरुक्षेत्र में राधा रानी आई है। तो राधा रानी के पास गई वो। तो राधा रानी ने कहा क्या कहा, ये सारी ज्वेलरी, सारा जो सोना है ना हटा दो। और उन्होंने एक पत्र पे सिर्फ अपना नाम लिखा राधा, और एक तुलसी पत्र जैसी रखा, कृष्ण भगवान ऊपर हवा में लटक गए, और जो तुलसी का जो वो था पलड़ा वो भारी हो गया। तो तुलसी जी की इतनी बड़ी महिमा है ना, तुलसी गंगा जल की महिमा। तो इसमें जो बताया गया भगवद गीता में ही बताया ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेषति, मतलब पत्र फूल पत्र भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भक्तिया, वो भक्ति भाव से दिया होना चाहिए। तो भगवान को भक्तवत्सल होने के कारण इस यहाँ आना पड़ा। तीसरा कारण बताया गया जो भगवान का था कि अनर्पितम अनिपृत चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वलम सभक्ति श्रीयम। जो बताया गया कि भगवान का जो प्रेम था ना, भगवान जो बहुत समय से प्रेम दान को दिया नहीं गया था, वो कौन सा प्रेम था, मंजरी भाव। तो बताया गया जब भगवान चैतन्य महापुरुष धाम में आए थे तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंदी और श्रीवास और आदि आदि कई लोगों को अपने दर्शन दिए, स्वरूप दर्शन कराए, लेकिन सबसे ये बोला कि देखो लेकिन किसी को बताना मत, किसी को बताने के लिए मना किया। लेकिन जो रूप गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी जी ने अपने श्लोक के माध्यम से भगवान की जो कौन चैतन्य महाप्रभु कौन है ये प्रकाशित कर दिया, इसका प्रचार कर दिया, सर्वत्र प्रचार कर दिया कि भगवान ही, यही भगवान है, श्री कृष्ण है, और ये क्या है, हमें मंजरी भाव देने के लिए आए। तो तीसरा कारण ये था। चौथा कारण बताया गया है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवती भारत अब तो अभ्युत्थान धर्म से तदात्मन सजामहन परित्राणाय स्वादुनाम विनाशाय च दुष्कर्म धर्म संस्थापनाताय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होगी और धर्म की स्थापना करने के लिए है ना, तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो भगवान यहाँ आए धर्म की स्थापना करने के लिए आए। कौन सा धर्म, जैसा कि हम देखते हैं अभी धर्म है माता पिता का धर्म, मैं डॉक्टर मैं इंजीनियर, ये धर्म नहीं। इसको तो भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस धर्म को तो त्याग करने के लिए बोला है। तो भागवत में बताया भगवान ने कौन सा धर्म अपनाना है, समय पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। तो कौन सा धर्म अपनाने के लिए भगवान ने बोला है कि जो अधोक्षक भगवान श्री कृष्ण इनके प्रति भक्ति सबसे बड़ा धर्म है, ये कैसा होना चाहिए, इसमें कोई अहेतु की नहीं, कोई अहेतु नहीं और अप्रतिहता, ये निरंतर होना चाहिए। तो इस धर्म को बताया भगवान ने कि जो वास्तविक धर्म यह है कि भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एक दिन मंदिर आ गए बस हो गया, नहीं, निरंतर भक्ति, एक दिन माला कर ली नहीं, निरंतर, और उसमें कोई स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए, कोई कामना, बिल्कुल कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो वास्तव में यही भगवान ने बताया, यही वास्तविक धर्म है और भगवान ने इसी की स्थापना की। ये चार कारण थे भगवान के आने के। ठीक है, इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
ज्ञानतिमिरान्धस्यज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादीश गौरवंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मो ओम विष्णु पाद स्तोत्र तुलसी श्रीमद् भक्तिवेदांत तुलसी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हृदय की कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नेत्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र तुलसी श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नेत्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र तुलसी श्रीमद् भक्ति सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हृदय की कृपा वंश करता हूँ। स्वपार्षद सफिकर सपरिकर्षित गौर नित्यानंद प्रभु, स्वपार्षद सपरिकर्षित जगद्गुरु प्रभुपाद, स्वपार्षद सपरिकर्षित राधा गोविंद जी के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम, उपस्थित सतीर्थ गुरु राधा वृंद, ज्येष्ठ गुरु राधा वृंद, वैष्णव वृंद, पूज्यपाद नवीन कृष्ण प्रभु, प्रेमचंद प्रभु आदि समस्त वैष्णव वृंद, वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, समस्त कथा श्रवण कर रहे थे श्री राय रामानंद संवाद। उनमें से ग्रंथकार राय रामानंद संवाद जो है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला के चैतन्य चरितामृत में अष्टम परिच्छेद में वर्णन कर रहे हैं। कुछ महिमा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के हम पिछले कथा में श्रवण किए, अब कुछ महिमा श्री राय रामानंद गोस्वामी के बारे में हम श्रवण करेंगे। तो हमने पहले श्रवण कर किया किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ये तत्व बड़ा गंभीर है, बहुत ही गंभीर विचार है। जो शास्त्रज्ञ है विशेष करके थोड़ा थोड़ा जानते हैं उनको तो समझ में आएगा, जो शास्त्रज्ञ नहीं है उनको शायद समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद एक बात को वर्णन कर रहे हैं कि सुनीते सुनीते मन, इसको श्रवण करते करते क्या होगा कि प्रेम उपजीवे, इसको श्रवण करते करते ही इसको समझ में आए या ना आए, क्योंकि ये बड़ा तत्व विचार है, तत्व सिद्धांत की बात है, तो इसमें बड़ा विचारवान बात है। लेकिन इसको श्रवण करते ही हृदय में प्रेम का प्राप्त होता है। इसका थोड़ा आगे मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरुदेव अपने भूमिका में बता रहे हैं कि इसी राय रामानंद संवाद को फलश्रुति बता रहे हैं, पहले लोग दिखा रहे हैं, पहले ये बात को बोलते हैं कि जैसे जो फलश्रुति होता है वो फलश्रुति अंतिम में बोला जाता है कि इसको पाठ करने से ये मिलेगा, विष्णु सहस्र नाम पाठ करने से बोलते हैं कि ये मिलेगा, गोपाल सहस्र नाम के अंतिम में है कि ये मिलेगा, ये ग्रंथ पढ़ने से ये मिलेगा। लेकिन गुरुदेव ने इस फलश्रुति को पहले ही लिख दिया। क्यों लिखा? गुरुदेव जानते हैं बड़ा तत्व विचार है, तत्वपूर्ण विचार है, इसमें कोई पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे और समझ भी नहीं पाएंगे तो ग्रंथ उठा के फिर रख देंगे, इसीलिए गुरुदेव ने फलश्रुति पहले लिख दिया। गुरुदेव लिख रहे हैं कि इस ग्रंथ का अध्ययन, एक गुरुदेव का पूरा वाणी है, स्वयं लिख रहे हैं कि इसी ग्रंथ का अध्ययन करते ही जो श्रद्धापूर्वक इसी ग्रंथ का श्रवण करे, ध्यान से सुनना, जो श्रद्धापूर्वक इसी ग्रंथ का श्रवण करते हैं यानी जो राय रामानंद संवाद को श्रवण करते हैं उनमें श्री राधा कृष्ण के चरण कमल में प्रेम भक्ति होता है। किस बात को गुरुदेव बता रहे हैं? तो युगल के चरण में प्रेम भक्ति का प्राप्त ऑटोमेटिक हो जाए जो श्रवण करते हैं। इसमें गुरु जी नहीं बोल रहे हैं कि समझे या ना समझे, ये बात को नहीं बोल रहे हैं। जब कविराज गोस्वामी पाद जिस चीज़ को बोलते हैं सुनीते सुनीते मन, इसको श्रवण करते करते ही प्रेम उपजीवे, प्रेम उत्पन्न होता है। तो इसको श्रवण करते ही हृदय में धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होता है। अब आनुषांगिक फल, आनुषांगिक मतलब क्या होता है? आनुषांगिक मतलब होता है जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ लगाने के लिए हम आम के पेड़ लगाए किस चीज़ के लिए? आम के फल प्राप्त करने के लिए।
लेकिन आनुषांगिक रूप में जब पेड़ लगाते हैं उसमें छाव भी प्राप्त होता है, छाया धूप के समय आम के पेड़ के नीचे जाओ सुंदर सुंदर हवा आता है, मन को आनंदित करता है, और उसके जो पुष्प जो आम के जो बकुल वो भी बड़ा सुगंधित है, आम के पत्ता भी अर्चन में लग जाता है, आम के पत्ता और लकड़ी जो निकलता है वो हवन आदि रोसी कार्य में लगता है, रंधन कार्य में लगता है। तो आम के पेड़ लगाते हैं ये सब चीज़ के लिए नहीं, आम के पेड़ हम लगाते हैं आम पाने के लिए, लेकिन जो आनुषांगिक फल जो आनुषांगिक अर्थात उसके साथ ही क्या मिल जाता है हमको, पत्ता मिलता है, फूल मिलता है, छाव मिलता है, सुगंधित पुष्प मिलता है, पवन हवा मिलता है, उससे हम आनंदित होते हैं, वो आनुषांगिक फल। तो इसको श्रवण करने से ही राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम का प्राप्ति तो होगा ही होगा। और आनुषांगिक फल में गुरुदेव बता रहे हैं कि कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, जो चार तत्व है, जो जीव का सर्वश्रेष्ठ, जो जिसको जानने के बाद और कुछ भी नहीं बाकी रहा, ये राय रामानंद संवाद में ये चार तत्व है जिसको जानने के बाद और कुछ भी चीज ऐसा जगत में है ही नहीं, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व और जो रस के तत्व, रस में भी जो महाभाव, जो राधा रानी के जो सर्वश्रेष्ठ भाव है, उसी भाव को गुरु जी इसमें बता रहे हैं कि वो आनुषांगिक रूप में प्राप्त हो ही जाता है। तो इसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी वर्णन कर रहे हैं कि इसके फलश्रुति वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में, जे यह एक बार पिए कर न द्वारे, इसको पीना चाहिए। कैसे पियोगे, बोले मुँह से नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे मुँह से नहीं पीना है इसको, राय रमन संवाद को मुँह से नहीं पीना है, पिए कर्ण द्वारे, कर्ण मतलब कान से जो इसको पान करते हैं, जो इस चीज़ को कान से श्रवण करते हैं, कान से पीते हैं, यानी एक कान से निकाल घुसाते हैं और दूसरे कान से निकालते नहीं, उसको पूरा हृदय में धारण कर लेते हैं, मतलब पी जाते हैं पूरा सीधा सीधा। तो इसको बोलने की तारा करने लोभे या छाड़ी ते न पारे, उसके कान में ऐसा लोभ उत्पन्न होता है, उसके कान में ऐसा इच्छा उत्पन्न होता है कि वो छाड़ी ते न पारे, वो कभी छोड़ नहीं सकता है इस चीज़ को। एक बार अगर किसी ने इसको पढ़ लिया, समझ लिया तत्व, तो थोड़ा भी अगर इसमें स्पर्श कर लिया, रस तत्व, प्रेम तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, ताहरे कान करने छाड़ी देने पारे, उसके कान कभी छोड़ नहीं सकता, हर जगह इधर उधर सुनेगा तो उसको बंद करेगा और यही सुनेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पद लिख रहे हैं कि रस तत्व ज्ञान है यह रसरवणे, प्रेम भक्ति है राधा कृष्ण चरणे। रस तत्व का ज्ञान होता है किस किस प्रकार का रस है, हाँ हमारा क्या स्थिति है, ये सब पता चलता है। और प्रेम भक्ति हुए राधा कृष्ण चरण, राधा कृष्ण के चरणों में जो प्रेम भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, वो डायरेक्ट क्या होता है, प्राप्त होता है। यह श्रवण, इसको श्रवण मात्र से ही, कोई इसको अगर श्रवण कर ले वो समझे या ना समझे, इस तत्व को कोई श्रवण कर ले तो उसको बोलते हैं कि उसको रस तत्व और राधा कृष्ण के जुगल तत्व को वो प्राप्त करता है। और बोल रहे हैं कि चैतन्य गुण तत्व जानी यह होते विश्वास करे सुना तर्क न करे चित्ते, कि महाप्रभु का ये गूढ़ चित्त है, ये रस तत्व है, इसमें हमारा इतना प्रवेश नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने दीनता को प्रकाशित कर रहे हैं कि मेरे इसमें इतना प्रवेश नहीं है, तो हमारा क्या स्थिति। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे रसिक, उनके लिए हमारे लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं कि जतन राखिल प्रेम हेम कुंभ भरी, कि ये कृष्णदास कविराज क्या करते हैं, अपने जो ये जो प्रेम को ना पूरा अच्छे से, कृष्णदास कविराज रसे भंडारी, कृष्णदास कविराज रस का भंडार है, हाँ पुनः से प्रेम लय जगत जने दिल, कि उसी प्रेम को लेके जगत में प्रदान करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और बोलते हैं कि मैं भी इस चीज़ को समझ नहीं पाया, अगर नित्यानंद प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा किया, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने मेरे ऊपर कृपा किया, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को समझ रहा हूँ। तो हमारा क्या स्थिति है, उसमें जो रस विचार है, रस में भेद है, उसको श्रवण करके बहुत सारे लोग तर्क करेंगे, इसलिए यहाँ पे पहले ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि विश्वास करे न सुना तर्क ना करे है चित्ते, आर्गुमेंट नहीं करना है इस चीज़ को श्रवण करने के बाद, ये पूरा एजिटिच तत्व है। और बता रहे हैं कि लौकिक लीला ये परम निगूढ़, विश्वास पालने तर्क है बहु दूर, परम निगूढ़ तत्व है, इसको एक बार नहीं, इसको बार 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 श्रवण करते 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 क्या हुआ, क्या होगा ना, श्री चैतन्य विश्वास पाइए, श्रीमन महाप्रभु के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास होने के बाद इस चीज़ को जान के तर्क है दूर,
जितने भी हृदय का जितने भी आर्गुमेंट है, जितने भी तर्क है, कुतर्क है, वो सब दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार का ये जो तत्व है, किस प्रकार हमारे गुरुदेव लोक दिखा रहे हैं, पहले से ही हमने गुरु जी के सारे मैक्सिमम ग्रंथ के भूमिका पढ़े, लेकिन इसी प्रकार जिस प्रकार राय रामानंद संवाद और मन शिक्षा में जिस प्रकार गुरुदेव लिख रहे हैं, ये दो ग्रंथ में जो फलश्रुति लिख रहे हैं, बता रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं दिया। तो किस प्रकार का बात कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये राय रामानंद संवाद जो है, ये चैतन्य चरितामृत का जो मूल रत्न है, उस जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम के मूल रत्न गोपी गीत, उसी प्रकार का चैतन्य चरितामृत का ये मूल रत्न श्री राय रामानंद संवाद है। इसमें बता रहे हैं गुरुदेव कि श्री राय रामानंद जी हमारे उड़ीसा के उस समय के पूरा समग्र पूरा विश्व के सम्राट, एकपत्री सम्राट थे प्रताप रुद्रदेव। उनके आनुगत्य में ये कलेक्टर थे, कहाँ पे, राजमंड्री पे, साउथ पे एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने कलेक्टर थे। बड़े सुंदर ब्राह्मण परिवार में इनका उत्पन्न हुआ था श्री राय रामानंद जी। और ये जब स्नान करने आते थे गोदावरी के तट पे, कबूर पे, तो स्नान करने के समय पालकी डोल देखे हैं ना, डोल, तो चार लोग पकड़ के रहते हैं और पालकी में विराज करके स्नान करने जाते थे रामानंद राय जी। और जैसे ही स्नान करते थे, जिस समय वो स्नान करते थे, उस समय ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र आदि उच्चारण होता था, स्वस्तिवाचन आदि उच्चारण होता था। तो एक समय श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा करने के लिए जब दक्षिण भारत में गए, सब दक्षिण में जितने वैष्णव के ऊपर कृपा करने के लिए श्रीमन महाप्रभु गए, तो पहले तो महाप्रभु सीमांचलम, जिसको बोलते हैं श्री वराह सिंहदेव, विशाखापट्टनम के पास है, तो वहाँ पे महाप्रभु ने दर्शन किया। वहाँ पे महाप्रभु का चरण पादुका अभी भी विद्यमान है। तो वहाँ पे महाप्रभु ने दर्शन किया सीमांचलम ने, और सीमांचलम से जैसे ही महाप्रभु राजमंडी तरफ गए, सब दक्षिण के यात्रा को सब हरि भक्ति प्रेम में बन्या में पूरा महाप्रभु जा रहे हैं, तो सब महाप्रभु को देख के हरि बोल इस प्रकार का ध्वनि कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे ही महाप्रभु गोदावरी के तट पे आए, तो गोदावरी को देख के महाप्रभु यमुना जी का स्फूर्ति होता है। अब महाप्रभु सन्यासी हो चुके हैं, अब महाप्रभु चंचल निमाई से भावुक निमाई बन चुके हैं। अब गोदावरी में वहाँ पे महाप्रभु ने आचमन लिए और देखे कि राय रामानंद जी, रामानंद राय जो थे, वो पालकी के बैठ के आ रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर हैं, ऐसे तैसे तो आएंगे नहीं। आजकल के कलेक्टर कैसे कार में आते हैं, उस समय के कलेक्टर पालकी में, डोली में, बड़े बड़े सैन्य सामंत के साथ, ब्राह्मणों के साथ ऐसे जाते थे। तो उसी प्रकार रामानंद राय भी स्नान करने के लिए जा रहे थे गोदावरी के तट पे। तो जैसे ही स्नान करने के लिए जा रहे थे, इन्होंने स्नान करने के समय महाप्रभु देखते ही पहचान गए, क्योंकि महाप्रभु कौन है, साक्षात राधा कृष्ण के मिलित तनु, और रामानंद राय कौन है, विशाखा सखी जी। तो विशाखा सखी को देखते ही ये तो पहचान गए कि ये हमारे विशाखा सखी है। फिर भी अपने एक मर्यादा है, सन्यासी का एक मर्यादा है कि जो विषय राज वस्त्र धारण करते हैं, जो राजा, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको दर्शन नहीं करना चाहिए। इसी मर्यादा के कारण श्रीमन महाप्रभु दौड़ के नहीं गए, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को रोक लिया, नियंत्रण में रख लिया। अब जैसे नियंत्रण में रखते हैं, रामानंद राय ने उनको देखते हैं और देख के ही आनंदित होते हैं, और देखते हैं कि बड़े सुंदर महाप्रभु वहाँ पे चैतन्य चैतामृत में यहाँ पे आगे आगे श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार महाप्रभु का वहाँ सौंदर्यता का महिमा वर्णन कर रहे हैं, कैसे महाप्रभु अजानुलंबित भुजो, किस प्रकार कितने सुंदर, कितने जाज्वल्यमान महाप्रभु के शरीर है। तो इसी प्रकार जो महाप्रभु के यहाँ पे बता रहे हैं कि रामानंद राय ने वहाँ पे स्नान करने के बाद श्रीमन महाप्रभु के पास गए, और श्रीमन महाप्रभु के पास जाके रामानंद राय ने महाप्रभु का चरण पकड़ लिया। अब रामानंद राय तो साक्षात विशाखा सखी है, वो तो जानते ही हैं ये कौन है, पहचान लिए रामानंद राय ने। और जैसे ही पहचान लिए, वहाँ पे प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने उनको आलिंगन प्रदान किया, महाप्रभु ने उनको कुशल मंगल पूछा। तो वहाँ पे महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ, उसी वार्ता को ही राय रामानंद संवाद बोलते हैं। ये रामानंद राय जी का संवाद, महाप्रभु ने कुछ प्रश्न पूछा और रामानंद राय ने उनका उत्तर दिए, और इसी प्रकार से संवाद है। उसी रस तत्व को, उसी विचार तत्व को, उसी सिद्धांत तत्व को ही राय रामानंद संवाद बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री रामानंद राय ने क्रमशः एक एक करके उसका किस प्रकार भक्ति का तात्पर्य, भक्ति में भी दो भाग है, ये भक्ति वो भक्ति,
हम तो एक भक्ति के बारे में जानते थे, इसमें पता नहीं कितना कितना भक्ति आएगा आगे, बहुत सारे भक्ति, बहुत सारा प्रेम, ये प्रेम वो प्रेम, उसमें डिफरेंस उसमें डिफरेंस, बहुत सारा चीज आएगा इसमें। हाँ, तो घबराना नहीं, इसमें आगे बोल रहे हैं कि जो रामानंद राय जो है, श्री रामानंद राय पहले वर्णाश्रम धर्म, दैव ब्रह्म वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया, फिर उसके ऊपर उठते 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 महाप्रभु बोलते हैं ये है बायो, आर किचु कहो, ये नहीं सुनना है और कुछ बोलो, भक्ति का तात्पर्य बताओ, ये नहीं है और कुछ बोलो, ये नहीं है और कुछ बोलो, अंतिम में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भजम, गीता का जो मूल श्लोक है वहाँ तक पहुँच गए और बोले ये नहीं है और कुछ बोलो। फिर उसके ऊपर रस तत्वों के ऊपर बात किए, उसमें भी शांत रस, शांत रस में क्या श्रवण करेंगे पूरा डिटेल्स आगे, शांत रस, शांत से ऊपर दास्य, दास्य से ऊपर बात्सल्य, बात्सल्य से ऊपर साक्ष्य रस, कृष्ण के सखा लोग हैं किस प्रकार सेवा करते हैं, कृष्ण के माता पिता किस प्रकार सेवा करते हैं, माता पिता किस प्रकार कृष्ण को डांट लगा देते हैं, छड़ी लेके यशोमती मैया किस प्रकार कृष्ण को पिटाई करते हैं, सखा लोग किस प्रकार कृष्ण को उच्चिष्ट खिलाते हैं, कृष्ण को ऊपर चढ़ जाते हैं, हाँ सखा लोग भी पिटाई करते हैं कभी कभी, सखा लोग भी डांट लगा देते हैं, तो उस रस का, उसमें भी जो राधा रानी, उसमें भी जो उससे ऊपर जो मधुर रस, मधुर रस में किस प्रकार गोपी लोग गोपी भाव में किस प्रकार सेवा करते हैं, और गोपियों से भी जो सर्वश्रेष्ठ रस है उसमें भी अष्ट सखी मंजरी रस, उसमें भी फिर राधा रानी का रस, फिर उसमें राधा रानी का कितना, एक राधा रानी हम जानते हैं, उसमें फिर संजोगिनी वियोगिनी इस कितने प्रकार के राधा रानी हैं, सब अलग 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 राधा रानी, उसमें भी जो रास में रहते हैं वो राधा रानी के रस, उसमें भी जो भाव महाभाव प्रणय से होते होते हुए हुए जो भाव का स्टेज है, उसमें भी जो महाभाव है वहाँ तक बोले चाट, तो उसमें भी जो महाभाव है, तो उसी प्रकार जो महाभाव को वर्णन करते हुए महाप्रभु को ये वर्णन करते 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 रामानंद राय ने महाप्रभु को उस दशा को देखा, जैसे ही राधा रानी के तत्व को सुने, कृष्ण राधा रानी को भाव को सुनते हैं, किस प्रकार राधा रानी इस विरह में रहते हैं, किस प्रकार राधा रानी इस प्रकार का भाव में रहते हैं, अब शिक्षा देने कौन आए हैं, रामानंद राय विशाखा सखी शिक्षा देने आए हैं कृष्ण को, तो गुरु रूप में आए हैं तो शिक्षा दे रहे हैं, तो उसी भाव को जब वर्णन करते 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 महाप्रभु को जो दशा को देखते हैं रामानंद राय, तो वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं, वहाँ पे पूरा मूर्छित हो जाते हैं रामानंद राय, और मूर्छित होके फिर महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और महाप्रभु बोलते हैं रामानंद राय जी इससे आगे मत बोलना, इससे आगे सुनने के धैर्य मेरे पास नहीं है, इससे आगे मैं नहीं सुन सकता, जो महाभाव की भी जो इसका मतलब उससे आगे भी है, महाभाव से भी ऊपर कुछ है, तो महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं इसके आगे मैं नहीं सुन सकता, इससे आगे नहीं बोलना। हाँ, स्वयं गुरुदेव बोलते हैं कि महाप्रभु में भी इतना इस प्रकार का सामर्थ्य नहीं है कि पूरा पूरा राधा रानी का उस रस को, उस भाव को पूरा पूरा आस्वादन करे, और मूर्छित हो जाते हैं, उनका होश नहीं रहता है, तो इसी प्रकार महाप्रभु बोलते हैं इसके आगे मैं नहीं सुन सकता, इसके आगे यहाँ पे रुक जाओ, और किसी को इसके आगे श्रवण करने का अधिकार भी नहीं है। तो इसी प्रकार महाप्रभु ने स्वीकार किया है वहाँ पे कि केवल मात्र जो साध्य है और जो साधक वस्तु है, जो तत्व है, उनमें से जो विच्छेद काल में जो राधा रानी कृष्ण से जिस समय विरह होते हैं, कृष्ण से जो अलग होते हैं वो क्या विरह का दशा है, और कृष्ण से जो मिलते हैं वो क्या विरह का दशा है, और मिलने के बाद भी जो मान करते हैं वो क्या दशा है, और जानबूझ के जो मान करते हैं वो क्या दशा है, चार चीज़ इसमें बता रहे हैं कि एक तो कृष्ण से दूर रहते हैं और कृष्ण को ढूंढते रहते हैं, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण राधा रानी। दूसरे बता रहे हैं कि कृष्ण के साथ मिल जाते हैं, ललिता विशाखा आदि सखी मंजरी वो सब हैं, और वहाँ पे तांबुल मर्दन आदि सेवा अलट चामर सेवा हो रहा है, और होने के बाद भी कृष्ण के साथ मिलते हैं, वो जो आनंद है, वो विरह के जो आनंद है और ये मिलन के जो आनंद है। उसके बाद कृष्ण के साथ जो अभिमान करते हैं, अरे कृष्ण ये काला काला रंग का सब हटाओ, ये मंजरी गांधर्व का संप्राष्टक में बता रहे हैं, लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे चित्रे व सुचिता रुचि रुचिराक्षिनाम भृगनाम रुचेतम मृषा रुषातम। तो ये जो श्लोक में बता रहे हैं वहाँ पे कि किस प्रकार रूप मंजरी को बोलते हैं एक निकुंज में कि ये रूप मंजरी तुम कृष्ण को इसके अंदर आने मत देना, मैं मान पे हूँ अभी, देखूँगा नहीं कृष्ण को। और कृष्ण को मिलने के बाद भी जो ललिता सखी बोलते हैं कि ध्रुते व्रजेंद्र तनय तनुसृष्टुभम्यम मांग लघवायो,
मांग करूँ। तुम हे राधा रानी, तुम अगर कृष्ण के साथ जब मिल जाते हो ना, तुम्हारे सब मांग टूट जाता है, इसलिए कृष्ण तुमको हर समय परेशान कर देते हैं। तुम तो राधा रानी बोलते हैं मैं क्या करूँ, कृष्ण मेरे सामने जब आ जाते हैं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, उस समय मेरा हृदय में क्या हो जाता है, मैं कृष्ण के साथ फिर मिल जाता हूँ, सब मान सब क्रोध सब कुछ छूट जाता है, सब भूल जाता हूँ मैं, सब गुस्सा उस्सा भूल के कृष्ण के साथ मिल जाता हूँ। तो ललिता सखी बोल रहे हैं इसी चीज़ का वो फायदा उठाता है, ऐसा नहीं करना, मांग लगवाए तुम क्या करो, तुम में अगर क्रोध नहीं आ रहा है तो क्रोध जैसे एक्टिंग करो तुम, तो उसी प्रकार को जानबूझ के जो अभिमान है, वो जो जितने भी जो चार चीज को यहाँ पे रस तत्व में गुरुदेव बता रहे हैं कि विच्छेद काल में जो अधिरूढ़ भागवत संभोग के अभाव में जो संभोग का स्फूर्ति स्वरूप एक परम उच्च अवस्था की बात बतलाने पर श्रीमन महाप्रभु ने जो साध्य बात है, जो राधा रानी का जो प्रेम बात है, जो साध्य हमारे लिए क्या चीज़ है, जो प्रेम हम किस प्रकार का प्राप्त करें, उसी चीज़ में भी श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार एक बात को वहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जो समरी है, जो अंतिम में जो कंक्लूजन निकला, श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं कि एकमात्र चीज़ से ही हो सकता है, कि कैसे ना एक चीज़ से ही हो सकता है, वो क्या ना केवल ही केवल श्री जुगल के जो सखीगण है, जो मंजरीगण है, जो गोपीगण है, उनके आनुगत्य में ही भजन करने पर ही ये चीज़ को प्राप्त हुआ, और हमारे गुरुदेव आए उसी चीज़ को देने के लिए ही, इसलिए लिख रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे। गुरुदेव बोल रहे हैं ना हर समय का, हर किसी को बोलते हैं कि तुमको देखो, जिसको भी देखो, राधा दास से उनको उपदेश देते हैं, क्यों देते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक भी, गुरुदेव बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे को भी, बूढ़े तक भी, जिनका विषय संग में पूरा दिन भर मतलब पूरा जीवन व्यतीत हो गया है, कुछ क्षण बचे हैं, वो कब भी मर सकते हैं, उन बूढ़े लोग को भी बोलते हैं तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुमको क्या चाहिए, तो ये बोलते हैं वो बोलते हैं नहीं ये नहीं, तुम्हारा प्रयोजन राधा दास्यम होना चाहिए। तो जो इसी चीज़ को भी हमारे गुरुवर्ग देने के लिए आए, तो इसी भाव को श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं कि थोड़े और एक बता दे रहा हूँ ये प्रसंग ठीक ये जो राय रामानंद संवाद है अब सुन रहे, ये कौस्तुभ मणि जैसे हैं, कहते ये बहुत हमारी संप्रदाय में ये सबसे अगर बढ़िया कहीं संवाद ये राय रामानंद संवाद है, कहते अगर ये चीज़ को अगर कोई समझ नहीं पाए ना, फिर हम जो गौड़ीय वैष्णव में आए हैं समझो आप कुछ नहीं समझे हो, केवल तिलक लगाए गले में कंठी लगा दिए यही सब कुछ, गुरुदेव कहते यही सब कुछ जीवन का नहीं है जब तक इसकी विचार में प्रवेश नहीं करते, अगर इसका विचार में प्रवेश नहीं करते ना फिर क्या होगा ना, हम इधर उधर मुंह मारना लग जाएंगे, उसी संप्रदाय में भागेंगे उधर संप्रदाय में घुसेंगे हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु कहते हैं नम महाबदान्याय, जगत में बहुत बड़े बड़े आचार्य आए हैं लेकिन महाप्रभु ने जो चीज़ दिया ये चीज़ को किसी ने नहीं दिया, इसलिए वो कह रहे थे ना अनर्पित चरिंचिरात, कहते ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युगों को बाद में महाप्रभु जगत में एक बार इस जगत में आते हैं और वो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए महाप्रभु आते हैं, और जिनकी प्रेम में भगवान स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। राधा रानी जब निकुंज में मान करती हैं अपना सखी मंजरियों को सामने खड़े कर देती, मतलब आज किसी काले को अंदर में घुसने मत देना, मतलब कृष्ण को घुसने नहीं देना, देखो। और कृष्ण राधा रानी तो बहुत दूर की बात है, उनका जो मंजरी सब सखियाँ हैं ना, कृष्ण आकर के उनके चरण में प्रार्थना करते हैं, बोले हे सखियाँ हे मंजरिया आपकी चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे को थोड़ी सी अंदर में जाने दो और राधा रानी से मिलन करा दो। राधा रानी से कौन, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक, बोले किसकी चरण में, बोले राधा रानी की चरण की बात ही छोड़ दो, उनकी जो सखी और मंजरियों के चरण में, उनके चरण में भी प्रार्थना करते हैं थोड़ी सी श्री किशोरी जी से मिला दो। समझो ये राधा रानी का प्रेम कितने सर्वश्रेष्ठ है, मतलब भगवान होते हुए भी। इसलिए कहते हैं कृष्ण को ये पूर्ण ब्रह्म क्यों मानी गई, कारण क्या है, कृष्ण को ये राम को क्यों नहीं माना गया,
नारायण को क्यों नहीं माना गया, कृष्ण को क्यों माना गया? राम ने कभी किसी सखा को झूठन खाया है? राम ने कभी किसी सखा का झूठन खाया है क्या? नहीं खाए। लेकिन कृष्ण इतने भक्तों प्रेम में बसीभूत है, भक्तों का झूठन खाते। कभी कृष्ण का कान मोल दिया मैया यशोदा, कभी आपने सुना कौशल्या कही कही कभी राम के कान मोल दिए, कभी राम को उखल में बांध दिए, कभी सुने हो? क्यों नहीं बांधे? क्योंकि प्रेम में इतना प्रेम नहीं उनके अंदर में, कृष्ण इतने प्रेम में बसीभूत नहीं हुए। सीता जी को उन्हें जंगल में भेज दिया, चुपचाप सुन चली गई। लेकिन यहाँ पर देखो राधा रानी कुंज में बैठी हुई, राधा रानी की बात छोड़ दो, मंजरियों के पास में कृष्ण प्रार्थना करते, थोड़ी सी अंदर में हमें जाने दो। इसलिए भगवान राम को जैसे प्रार्थना किए कौन, दंडाकारण्य में, हमें अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। राम ने स्वीकार किया? क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि उनके अंदर में इस शक्ति है ही नहीं जो स्वीकार कर सकते हैं, ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं। सुपर्णखा को, सुपर्णखा आई, सुपर्णखा को स्वीकार किए, नाक कान काट कर भेज दिए, स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों? वो पूर्ण ब्रह्म है ही नहीं, वो स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो सबके सब कौन सा अवतार में आए? कृष्ण अवतार में आए। लेकिन हमारे कृष्ण ने उसको स्वीकार किया। क्यों? कहते कृष्ण ही ऐसे एक अवतार है जो सबको स्वीकार कर सकते। क्यों? कृष्ण के अंदर में ये जो पूर्ण ब्रह्मता है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे हमारे जो जय विजय आए, जय विजय आए किस रूप में? पहला अवतार में हिरणा के हिरण्य कश्यप बन करके आए, किसने बधने की उनको वध किया? बराह अवतार में, नरसिंह अवतार में, लेकिन उनको उद्धार नहीं हुआ है, उद्धार नहीं हुआ। फिर उन्होंने और कौन सा रूप में आए? रावण कुंभकर्ण, किसने मारे? राम। उधार हुआ उनको? उधार नहीं हुआ। मारे उनको हाथ में मरे, लेकिन उनको सदगति नहीं मिली। लेकिन सदगति कब मिली? जब कृष्ण अवतार में आए, जब उन्होंने शिशुपाल दंत वक्र बन करके आए, फिर भगवान कृष्ण को हाथ में मरने पर फिर वैकुंठ में गए, उसको पहले नहीं जा पाए। क्यों? बोले कृष्ण के अंदर में जो हतारी गतिदायक तत्व है, कहते जो रस का जो परिपूर्ण, केवल कृष्ण के अंदर में और किसी को अंदर में मिला ही नहीं, किसी को अंदर में, ये केवल कृष्ण के अंदर में। इसलिए कृष्ण इतने भक्तों का प्रेम में बसीभूत हुए और कोई भी भगवान भक्तों का प्रेम में इतने बसीभूत हुए ही नहीं, केवल कौन हुए? कृष्ण। इसलिए कृष्ण सुदामा का चरण धोई ना, और कोई भगवान चरण धोए भक्तों का? कोई मिलता है कोई भक्त, भक्तों का चरण कोई भगवान दे मिलता है? कोई नहीं मिलते हैं, केवल ये कृष्ण ही है। इसलिए जो कारण है कृष्ण के अंदर में प्रेम का जो परिपूर्णता है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया जो पुतना जैसे व्यक्ति राक्षसी जो बच्चों को खून पीने वाली, उनको भी सदगति अगर देने वाले कौन है? ये कृष्ण ही है। सदगति छोटी मोटी नहीं, गोलोक वृंदावन में उनको मार करके, गोलोक वृंदावन में कोई स्थान नहीं दिया है, हैं मार करके, लेकिन कृष्ण को हाथ में ही मर करके जीव को जो पूर्ण जो गति है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यही श्लोक सुनकर पागल हो गए, हैं इसलिए पागल हो गए, बोले कृष्ण इतने दयालु इतने कृपालु, मार करके भी उनको गति कहाँ गोलोक वृंदावन में, जहाँ तक गति नहीं दे दिए, मुक्ति नहीं दे दिए, उनको ब्रह्मलोक में नहीं भेजा, कहाँ भेज दिया? गोलोक वृंदावन में। इसलिए ये महाप्रभु का जो अवतार, ये जो राय रामानंद संवाद है ना, इतने प्यारा संवाद है। ये चीज़ को अगर कोई नहीं समझ पाए ना, वो गौड़िया मठे में वैष्णव आना उसका बेकार है, गुरुदेव कहते बेकार है, केवल तिलक कंठी लगाने पर सिर्फ गौड़िया वैष्णव नहीं बन जाओगे। जब तक इसकी विचार में प्रवेश नहीं करोगे, महाप्रभु क्या वस्तु जगत में दिया, क्या देने के लिए आए थे, क्या प्रेम की चमत्कारिता, नहीं ये स्वयं कृष्ण चमत्कृत हो गया था। इसलिए जो राय रामानंद संवाद को कौस्तुभ मणि बताया गया, इसलिए आप लोग नहीं तो क्या होगा ना, फिर उधर ना मुँह मारेंगे, फिर उधर मुँह मारेंगे, उधर मुँह मारेंगे, क्यों पता नहीं हमारे संप्रदाय में क्या चीज़ है, हमारे संप्रदाय में क्या चीज़, हमें ये चीज़ हमें पता ही नहीं। इसलिए अपना संप्रदाय का चीज़ को समझो, अपना संप्रदाय के गौरव को समझो, हैं जब तक नहीं समझे फिर इधर उधर भटकते रहेंगे, फिर वो चीज़ को फिर प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, उसमें एक और एक टपिक जिसको रूप सिक्ख्या, महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को जो रूप सिक्ख्या दिया, अद्भुत रूप में दिया है, जिसको चिराग वो धीरे 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 उसको पढ़ रहा है, आज ही उसका कुछ अंश वो बताएगा, महाप्रभु रूप गोस्वामी को क्या सिखा दिया। ये जो दो टपिक चैतन्य चरितामृत में बड़े महत्वपूर्ण है, बोलो।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदानाय कृष्णाय कृष्णमत्ताय तत्ताय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत भक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोत्तरशत भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियाँ श्री नवीन प्रभु जी एवं समस्त उपस्थित सभी को यथायोग्य दंडवत अर्पण करता हूँ। समय बहुत अधिक हो गया, बहुत जल्दी जल्दी। देखिए हम लोगों के काफ़ी प्रश्न होते हैं कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान क्यों आए हैं, अच्छा महापुरुष क्यों आए हैं, श्रीमन महाप्रभु का इतना उपकार क्यों है, किस अधम से अधम पतित से पतित को भी श्री कृष्ण प्रेम की दिव्य दीक्षा उन्होंने दी। हरी 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 कहा प्रभु गोमन कोरिला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्रते नाचीते लागीला। समस्त व्याघ्र जिनके दिव्य मुख से श्रवण करके हरिनाम नाचने लग गए, ऐसे श्रीमन महाप्रभु क्यों आए हैं, क्या कारण है, अच्छा महापुरुष क्यों आते हैं। देखिए श्री शांडिल्य भक्ति सूत्र हुआ है, उसमें महर्षि शांडिल्य ने 100 भक्ति के सूत्र लिखे हैं, उसमें से 84 करने के लिए महापुरुष आते हैं, अन्य कोई। अरे जिन श्री भगवान को कुछ पाना शेष नहीं रह गया, जो केवल केवल कैसे ये भटकते हुए जीव मेरी शरण में आ जाए, इस कारण से ही समस्त लीला का उपाख्यान श्री भगवान करते हैं। तो मुख्यम तस्से ही कारुण्यम, श्री रूप गोस्वामी पाद को श्रीमन महाप्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें कृष्ण भक्त का लक्षण बता रहे हैं कि लक्षण क्या है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, श्री कृष्ण भक्त का भक्त जो होता है वो परम निष्काम होता है और शांत होता है। ये तो आप एक बार लक्षण बस सुन लीजिए। उसके बाद जो अगला प्यार है बहुत सुंदर प्यार है, आपने मेरे गुरुदेव से बहुत बार श्रवण किया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। देखिए पहले इसका साधारण अर्थ सुन लीजिए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, इस भैया इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं जो भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमिते भ्रमिते भ्रमण कर रहे हैं, कौन उसमें से भाग्यवान जीव हैं, कोई इक्का दुक्का जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जो गुरुदेव और श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज, जिसको हमारे पूज्य श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्ति लता क्या है, भक्ति लता बोले सेवा, श्री कृष्ण की सेवा ही भक्ति लता है, तो उसको कोई कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है। देखिए भैया संसार के कोई काम होते हैं जो जन बल से पूरे होते हैं, संसार के कोई काम होते हैं जो धन बल से पूरे होते हैं, लेकिन किसी भी साधक का भजन कब पूरा होता है, केवल केवल श्री गुरुदेव की कृपा से ही पूरा होता है। इसको श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि गुरु गुरुर भजन विक्रमात, भक्ति रसामृत सिंधु में। हम लोग सोचते हैं हम भजन कर रहे हैं काय के ब्याज से, श्री गुरुदेव के भजन के ब्याज से, इसलिए गुरुर भजन विक्रमात। इस कारण से इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। देखिए मेडिकल साइंस के अंदर हम लोग सबसे बड़ा डॉक्टर किसको मानते हैं, जो ट्रांसप्लांट करता है, इसकी किडनी उसमें सरका दी, उसकी किडनी उसमें सरका दी, उसका लीवर उसमें सरका दिया, उसका लीवर उसमें, उसकी आंख उसमें, उसकी आंख उसमें, ठीक है। साधा संसार का कोई एक चिकित्सक ये ट्रांसप्लांट जो करता है उसको सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक की उपाधि दी जाती है, ऐसे ही अध्यात्म में भी एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, कौन, श्री सद्गुरुदेव। अरे वो संसारी डॉक्टर तो एक चीज से दूसरे चीज में बॉडी पार्ट को ट्रांसफर कर देता है, और लेकिन सद्गुरुदेव क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण का विग्रह है उसमें श्री कृष्ण को उठा करके जीव के हृदय में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसीलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब इसके दो अर्थ प्रभुपाद जी ने किए हैं, क्या, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरुदेव की कृपा से जो कृष्ण प्रसादे, इसको तोड़ लिया समास व्यास शैली में इसको तोड़ लो, गुरु की कृपा से जो कृष्ण प्रसाद है भक्ति लता बीज के रूप में, वो कोई बिरला प्राप्त कर पाता है। देखिए भैया
आपको एक बात बता देता हूँ, कोई गुरुदेव की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होगी। अरे कोई पैसों का यश लेकर के प्रतिगमन करता है, तो पैसों का यश लेकर के जब कोई प्रतिगमन करता है तो धनी मानी लोग उसको देख करके आकर्षित होते हैं। कोई जनबल को लेकर के प्रतिगमन करता है, जैसे नेता आजकल के, तब उसको देख करके बड़े बड़े लोग आकर्षित होते हैं। कोई दिव्य सौंदर्य को लेकर के प्रतिगमन करता है तो बड़े बड़े कामी मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन जब श्री गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त कंठी और तिलक को वैष्णव आपोलित करके चलता है तो गोपाल का यश लेकर के चलता है, श्री माधव का यश लेकर के ही वो तिलक और कंठी के रूप में चलता है। इसीलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, प्रसाद ही तो है, प्रसाद सर्व दुखेश, प्रसाद जो समस्त दुखों को हरण कर ले। हमारे गुरुदेव कहते हैं ये जो तुम्हारे पास माला झोली है ना, ये सारे दुख का सल्यूशन है। अरे जब माला हाथ में होती है तो हाथ ही श्रीधाम वृंदावन बन जाता है, जब तुलसी की माला कंठ में है तो कंठ ही श्रीधाम वृंदावन बन जाता है, जब श्री भगवान का दिव्य नाम मुख में है तो मुख ही वृंदावन बन जाता है। धन्य है गुरुदेव, ये तो श्री कृष्ण से भी आगे निकले। अरे श्री कृष्ण तो हृदयम तस्य वृंदावनम, हृदय को वृंदावन बना दिया, लेकिन धन्य है गुरुदेव एक एक जीव को गुरुदेव वृंदावन बना देते हैं, एक एक जीव को वृंदावन बना देते हैं। अच्छा अब बात आती है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कृपा क्या है, कृपा गुरुदेव की या भगवान की कृपा क्या है? हमारा धन बढ़ जाए, हमारा जन बढ़ जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, उसका ये हो जाए, ये सब कृपा है? ये सब कृपा नहीं है। श्रीमन महाप्रभु भगवान कहते हैं मैं जिस पर अति कृपा करता हूं, जे कोरे अमार आश तार कोरी सर्वनाश, अरे तार पर नाल छाड़े ले आश, आमी है बोदाशानुदाश। मैं जिस पर कृपा करता हूं तो तस्करम तन तत् तस्करम तत् धनम तस्करम तत् जनम तस्करम तत् बलम, मैं सारे के सारे धन जन बल इत्यादियों को उससे हरण कर लेता हूं, और जब वो सारे के सारे बलों से शून्य हो जाता है तो तप बल अप बल तप बल और बाहुबल चौथो है बल दाम, सूर किशोर सबन विधि सो हरिहारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब वो सब सारी चीजों से खाली हो जाता है तब जाकर के उसको भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। हमारे श्रील वामन गोस्वामी, अरे वामन गोस्वामी महाराज जी जैसे तो वामन गोस्वामी महाराज जी थे, वामन सु वामन भयो, श्री वामन, वामन का अर्थ क्या है? वश्च वात्सल्याः अकारश्च श्री सहिते श्री कृष्णः मनः तस्य आकर्षिते मनः निमज्जिते मनः इति वामनः। वामन शब्द का अर्थ क्या है? जिनका हृदय केवल श्री राधा माधव के दिव्य वात्सल्य में ओतप्रोत होता है उसी को ही वामन कहते हैं। हमारे वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे कितने दुख का विषय है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारे हमें धन कैसे मिलेगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा जनबल कैसे बढ़ेगा, हमारे जो आपत्ति विपत्ति आ रही है वो कैसे मिटेगी, हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कैसे होगा। लेकिन वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं मैं एक बात सच कहता हूं, कोई बिड़ला कब आएगा जो कहेगा हमें कृष्ण कब मिलेंगे, श्री कृष्ण कब मिलेंगे। इस कारण से ये कृपा नहीं है श्रीधाम वृंदावन में, इसलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरुदेव की ही कृपा से मिलेगा भैया ये। श्रीधाम वृंदावन में हमारे गौड़िया संप्रदाय के एक संत खूब नाम जप परिक्रमा करते खूब एक धोती पहनते बस, और कुछ नहीं, माला हाथ में लेकर के। एक बार वो माला लेकर के और वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, कोई ज्योतिषी मिला उनको, ज्योतिषी मिला तो ज्योतिषी ने कहा बाबा मैं तो तेरे को देख रहा हूं, मुझे लग रहा है तेरे पे बहुत जल्दी शनि की 7:30 लगने वाली है। बाबा बोले अच्छा, बाबा के पास, बाबा नित्य प्रति श्री राधा रमण जी के दर्शन करने जाते थे तो उनके हाथ में एक डलिया थी जो सब पुष्पों से, गुलाब के दिव्य फूलों से भरी थी, उसके अंदर एक लड्डू था और वो लड्डू उसके अंदर था, तो बाबा ने अपनी डलिया को खोला और लड्डू लिया और लड्डू को उसके ज्योतिषी के हाथ में दिया, बोले लो पंडित जी एक काम करना, अपने शनिदेव को इसका भोग लगा करके मेरी तरफ से प्रार्थना कर देना कि कल 7:30 लगनी हो तो आज ही लग जाए। क्यों? क्योंकि
जब कहते हैं कि साढ़े साती लगती है तो भयाभय दशा हो जाती है, उसके पास कुछ नहीं रहता। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मेरे पास केवल कहलाने को तो कुछ भी नहीं है, केवल एक ये धोती है। अरे ये धोती का आकर्षण इतना है कि उतनी देर के लिए कृष्ण रस से वंचित हो जाता हूँ। कृपा करना, शनिदेव से कहना कि इस धोती का भी आकर्षण न रहे और हरिनाम में निमज्जित हो जाऊं। इसीलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, श्री गुरुदेव की कृपा से ही भक्ति लता बीज प्राप्त होगा। ये प्रभुपाद जी कहते, अच्छा भक्ति लता का मतलब क्या है? भक्ति लता बोले सेवा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति लता का मतलब है सेवा, श्री कृष्ण सेवा। श्री कृष्ण की भक्ति का फल क्या है? श्री कृष्ण सेवा। भगवान के नाम का फल क्या है? भगवान के नाम में रुचि। इस कारण से चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू और वृंदावन की कुंज गलिन में हर की लीला गासू शाम हने चाकर राखो जी। इस कारण से भगवान का भगवान की चाकरी ही यहाँ पे भक्ति लता है। भैया जो स्वामी महाराज जी थे, स्वामी इस्कॉन के फाउंडर जो स्वामी महाराज जी थे, इन द एज ऑफ 60 लगभग 60 की वर्ष की उम्र में वे यहाँ से अमेरिका गए, जहाज से, आप लोग को सब पता है। तो जब वो अमेरिका गए तो क्या हुआ, वहां पे जाने लगे तो वो सारे के सारे वहां के जो हफ्सी लोग हैं वो सारे डांस, वो नाचते ऊट पटांग गानों पे, हम्बा हुम्बा 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 है हुम्बा, ऐसे से करके नाचते रहते। तो प्रभुपाद जी ने देखा यार इनका नाचने का सिस्टम बड़ा अजीब है, तो प्रभुपाद जी क्या करते, लेके करताल और वहीं शुरू हो जाते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो नाचना शुरू कर देते। अब प्रभुपाद जी नाचना शुरू करते तो वो बड़े वो आकर्षित होते, भैया ये तो एक अलग ही स्टाइल है, और आकर्षित होते। मधुर नाम, भगवान का नाम किसको को आकर्षित ना ही करे, मम नाम, भगवान का नाम किसको आकर्षित नहीं करता। तो एकदम से देखा तो उनसे कहा प्रभुपाद जी से, ये क्या चीज है? तो प्रभुपाद जी बोले ये है ना कृष्ण प्रेम का सैंपल है। अच्छा और सैंपल दिखाओगे हमें? तो बोले कल मिलना। तो प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी ने बेसन के लड्डू बनाए, है ना, प्रभुपाद जी ने बेसन के लड्डू। देखो बेसन के लड्डू कैसे बनाए, भगवान का प्रसाद बनाते समय यदि किसी के मन में केवल और केवल दूसरों के प्रति निंदा करनी, बस निंदा करते रहो प्रसाद बनाते रहो, भोग तो लग ही जाएगा, कितने दुख का विषय है भगवान। इसलिए निंदा करते करते नहीं, केवल मन में हरि और गुरु को पहले स्थापित किया प्रभुपाद जी ने, फिर बनाया वो लड्डू बेसन का बनाया। क्यों? देखो अगर गुरुदेव प्यारे नहीं होंगे ना तो हरि भी प्यारे नहीं होंगे। जय गुरुवर प्यारे से गिरिधर प्यारे, हाँ मेरे गुरुवर प्यारे मेरे गिरिधर प्यारे। इस कारण से वो बनाए लड्डू, और लड्डू बनाए तो अगले दिन फिर गए प्रभुपाद जी। अब लड्डू बनाए अगले दिन गए प्रभुपाद जी, अब जब गए तो सारों के सारों ने देखा फिर से शुरू हो गए प्रभुपाद जी। बोले आज सैंपल लाए हो? तो बोले हाँ। तो आप तो कहा कि क्या है सैंपल? तो प्रभुपाद जी ने बेसन का लड्डू उठाया उनके मुंह में दिया ऐसे। अब उनके बाप दादाओं ने तो कभी जीवन में लड्डू खाए ही नहीं थे, अब देखा लड्डू, अरे इतना स्वाद लड्डू। उनमें से एक हफ्सी बोला, अरे जिसका सैंपल इतना मधुर है जब साक्षात विमुख से हृदय में प्रवेश करेंगे तो क्या बात होगी। ये सूत्र लेकर के ही तो प्रभुपाद ने प्रसादम शुरू किया है भैया। इसीलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, केवल गुरुदेव की कृपा से श्री कृष्ण रूपी प्रसाद। आप यूं कहेंगे कृष्ण को ही प्रसाद बता दिया, हाँ क्यों नहीं। अरे कोई व्यक्ति अच्छी कथा करता है तो संत लोग पूछते हैं उनसे कि भैया आपने श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद किससे प्राप्त किया? तो व्यक्ति कहेगा हमने श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद हमारे सद्गुरुदेव से प्राप्त किया। आपने चैतन्य चरितामृतम एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इत्यादि श्रीमद् हनुमान नाटक इत्यादि का प्रसाद कैसे प्राप्त किया? हमने अपने सद्गुरुदेव की कृपा से प्रसाद प्राप्त किया है। तो भागवत और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवान भी प्रसाद रूप में है। इसलिए गुरुदेव की कृपा से श्री कृष्ण रूपी प्रसाद जो है भक्ति लता बीज के रूप में प्राप्त हो जाता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा करते जब प्रभुपाद कहीं भी हरि कथा बोलते थे केवल इसी दो लाइन का व्याख्या करते थे, और ये दो लाइन में सारे वेद पुराण इतिहास सबके सब उसी दो लाइन में विद्यमान।
इसलिए इसी दो लाइन के ऊपर में हमारी भक्ति वेदांत स्वामी नारायण गोस्वामी महाराज इतने सुंदर उन्होंने व्याख्या किया, उन्होंने क्या व्याख्या किया कल हम उसको सुनेंगे। गुरु जी ये दो लाइन के ऊपर में क्या बोलते हैं, और जो प्रभुपाद भी ये दो लाइन के ऊपर में बड़े सुंदर उन्होंने कौन ये है व्यक्ति कौन हैं। इसलिए भक्ति लता है क्या चीज़, बीज क्या है, कब हृदय में प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत सुंदर प्रभुपाद और हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बहुत गजब की उन्होंने व्याख्या किया है। इसलिए इसको हम इसको कल सुनेंगे, ठीक है। आज बहुत टाइम हो गया, अरे कल अगर हम बोलना कोई चाहता है माता जी को, अगर तुम अगर बोलना चाहते हो, अगर मणिमंजरी बोलना चाहते हो, इसलिए कल सब बोलना तैयारी कर। अगर आप लोग भी अगर कोई बोलना चाहते हो हम सबको चांस देंगे बोलने के लिए, ठीक है, तैयारी होकर गाना। जब बोलने के लिए भावना आता है ना हम बोलेंगे, आप देखना दिन भर दिमाग में वही घूमता रहता है, वही चीज़ दिमाग में घूमता है। सुबह पता नहीं कहाँ से लाल तिलक लगा करके आ गया ससुराल में लगा करके आए, ठीक है कल से, ठीक है। आप लोगों के लिए आम ही बनाया ना, क्या बनाया, आम पन्ना बनाया, किसने बनाया, हमारे प्रभु जी, हाँ मिल मिल कर सब बनाया, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें बर्फ़ डाला है ना, हाँ ठीक है, सबके से आम पन्ना पी करके जाना। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब पीछे पीछे बोलो, ताली बजाते हैं। Bye.
श्री दुर्गा मंदिर में हर श्री राधा मंदिर हर श्री राधा गोपीनाथ गोविंद मंदिर